मध्य प्रदेश के तकरीबन आधे जिलों में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को हर संभव मदद दिए जाने का ऐलान किया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 16 मार्च को एक के बाद एक कर दो पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम फिर किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। फरवरी माह के मध्य से ही लगातार पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। इनकी वजह से मार्च माह की शुरुआत में जहां गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिले, वहीं अब बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 13 मार्च और 16 मार्च को एक के बाद एक कर दो बार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दाखिल होने वाले हैं। इस सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बिगड़ेगा। इससे 18 मार्च से आंधी पानी का एक और दौर शुरू हो सकता है। इस समय अधिकांश स्थानों पर खेतों में कटाई चल रही है। ऐसी स्थिति में बरसात और ओले गिरने के कारण फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा आम की फसल भी तबाह होने लगी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मौसम की मार से पीड़ित किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी। आज देवास, सीहोर, हरदा सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, कई जगह ओले गिरने की भी खबर आई है। मैंने तत्काल सभी कलेक्टर्स और डीडीए को निर्देशित कर रहा हूँ कि मौके पर जाकर वीडियोग्राफी करके पंचनामा बनाए और आरबीसी 6-4 में किसानों को राहत देने का काम शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों का संकट सरकार का संकट है और इसलिए हम उसको सहन करेंगे और किसान को आरबीसी 6-4 के तहत राहत देंगे। शुक्रवार को दोपहर के बाद कई स्थानों पर तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही बौछारें भी पड़ी। शाम को भोपाल के आसपास के कुछ इलाकों के साथ प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओले भी गिरे। प्रदेश में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत होने की खबर भी आई है। मौसम बदलने से आधा दर्जन से अधिक जिलों में ओलावृष्टि हुई। विदिशा, सागर, राजगढ़, गुना, सीहोर और हरदा जिले में आंधी चलने के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि होने से खेतों में कटी पड़ी फसलें भीगने से गेहूं, चना, धनिया की फसल को नुकसान पहुंचा है। ग्वालियर, चंबल अंचल और बुंदेलखंड में सरसों और गेहूं की फसलें प्रभावित हुई हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।